हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हर व्यक्ति किसी न किसी नक्षत्र में पैदा होता है। किसी का नक्षत्र अश्विन तो किसी का पुष्य होता है। ठीक इसी तरह अश्लेषा नक्षत्र में भी लोगों का जन्म होता है। अश्लेषा का अर्थ होता है आलिंगन करना। अश्लेषा नक्षत्र के समूह में 6 तारे हैं जो कि चक्राकार हैं। मतांतर से इसे सर्पाकार भी माना जाता है। अश्लेषा नक्षत्र के तारा चक्र को सर्पराज वासुकी के सिर में स्थान मिला है। इसका संबंध सर्प की कुंडली से है। ये सबको समेटने वाला सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार अश्लेषा नक्षत्र का स्वामी बुध ग्रह है। ये कर्क राशि का ही हिस्सा है या इसके अंतर्गत आता है। जो लोग अश्लेषा नक्षत्र में जन्मे होते हैं उनकी राशि कर्क, राशि स्वामी चंद्रमा, वर्ण ब्राह्मण, वर्ष जलचर, योनि मार्जार, महावैर यानी मूषक, गण राक्षस तथा नाड़ी अंत्य है। साथ ही इन जातकों पर बुध और चंद्र का प्रभाव रहता है। ये जातक शरीर के स्वामी होते हैं यानी शरीर हृष्ट पुष्ट रहता है। इनकी वाणी बेहद ही मधुर होती है। इन्हें बातचीत करना बेहद पसंद होता है। इनसे किसी भी विषय पर बैठकर घंटों तक बात की जा सकती है। इनकी आंखें छोटी होती हैं, साथ ही इनका चेहरा वर्गाकार और मुखमंडल बहुत सुंदर होता है। ये बेहद बुद्धिमान होते हैं और सभी शीर्ष पर पहुंचने की प्रेरणा भी देते हैं। लेकिन इन्हें अपनी स्वतंत्रता में किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होता। यही वजह है कि इस नक्षत्र में जन्मे जातक सफल व्यापारी, चतुर अधिवक्ता, भाषण कला में बेहद निपुण होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये जातक ईमानदार होते हैं। ईमानदार होने के साथ साथ मौका परस्त भी होते हैं। इन पर कोई भी आसानी से विश्वास नहीं करता। ये बेहद हठीले और जिद्दी होते हैं। इन जातकों पर नाग देवता का प्रभाव अधिक प्रतीत होता है। ऐसे में ये अपेक्षाकृत क्रोधी होते हैं। इनमें एक और विशेषता होती है कि ये पक्के मित्र होते हैं। जिनसे आपकी मित्रता होती है उनके लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। साथ ही अगर कभी किसी ने आपकी मदद की है तो आप उस व्यक्ति के लिए कृतज्ञता व्यक्त करना भूल जाते हैं। इस स्थिति में संबंध बिगड़ भी सकते हैं। आपको अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए क्योंकि ये क्रोध लोगों को आपसे दूर कर देता है। वैसे तो ये जातक बेहद मिलनसार होते हैं लेकिन इन्हें किसी भी स्थिति का पूर्वानुमान हो जाता है। इससे ये किसी भी समस्या को पहले से ही भांप लेते हैं। साथ ही ये आंखें मूंद कर किसी पर विश्वास नहीं करते। इसी के चलते ये धोखा खाने से बच जाते हैं। इस नक्षत्र के जातक अच्छे लेखक, अभिनय के क्षेत्र, कला और वाणिज्य के क्षेत्र में ज्यादा सफल हो सकते हैं। अतः संभव है आप अधिक समय तक नौकरी ना करें। अगर आप नौकरी करेंगे तो भी किसी न किसी व्यवसाय से जुड़े ही रहेंगे। इस नक्षत्र के लोग उन प्रोफेशन में बहुत अच्छा काम करते हैं जिनमें जांच, कमियों को खोजना, प्रतिद्वंदियों को परास्त करने की रणनीति बनाना, सर्च ऑपरेशन आदि से संबंधित कार्य होते हैं। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।